राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दिखा, इसमें से कागज निकलता है। वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूँ सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूँ। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूँ। कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सीप्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। एलएनटी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है, अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? कहता है, राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो।